हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो एक दो क्वेश्चन बार बार एनटीपीसी ग्रुप डी में और यूपी टेट आदि में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन आते हैं। तो क्या लिखा हुआ देखेंगे। गेहूं के मूल्य में, कह रहा है गेहूं के मूल्य में 20% कमी के कारण भुवनेश 320 रुपये में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या था? देखेंगे क्या कैसे लगता है। अब यहाँ पर क्या है, 20% की कमी हो रही है, तो हम क्या लिखे हैं, 20% का रेशियो निकालेंगे। 20% का रेशियो निकालेंगे तो 20 का रेशियो निकल जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/5 हो गया। अब यहां से हम देखेंगे कि पहले और बाद, इनिशियल और फाइनल, तो कह रहा गेहूं के मूल्य में 20% कमी हो गई, तो पहले कितना था, 5 यूनिट था, और बाद में 1% की कमी हो गई। 20% की कमी हो मतलब 1 यूनिट की कमी हो गई, तो 5 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 4। तो ये आपका सील क्या हो जाएगा, सीलिंग प्राइस, और कास्ट प्राइस क्या होता, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस उल्टा हो जाता है, इसका उल्टा हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखा जाए, इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो कितना हो जा रहा है, 5 में से 4 निकालते हैं तो 1, और 1 यूनिट की वैल्यू दे रखा है कितना, 5 किलोग्राम। कितना दे रखा है, 5 किलोग्राम दे रखा है, यहां देखेंगे 5 किलोग्राम दे रखा है। यहां क्या दे रखा है, 5 किलोग्राम दे रखा है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 किलोग्राम दे रखा है, तो यहां लिखेंगे 5 किलोग्राम 1 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 किलोग्राम, तो 4 यूनिट की 4 का इसमें गुणा कर देंगे 5 में, तो ये हो जाएगा कितना, 20। और यहां भी क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। अब कह रहा है हमको, तो पहले भी 320 रुपया ले गया था और आज भी उतना, दोनों तभी तो ज्यादा लेकर आया, 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीदा। तो यहां से क्या करेंगे, हमको पूछ रहा है प्रारंभिक मूल्य बताइए, पूछ रहा है प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य का मतलब कि पहले का मूल्य क्या होगा, तो पहले का मूल्य यहाँ जो आपका कितना है, 20, क्या है, 20 आया हुआ है। तो हम 20 क्या करेंगे, 320 में से 20 से डिवाइड कर देंगे, तो इसे कट जाएगा, 1 0 0 और 2 से काटेंगे 32 को, तो ये हो जाएगा 16। तो 16 रुपये प्रति किलोग्राम, इसका मतलब 16 रुपये प्रति किलोग्राम पहले था, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा ए। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है चावल के मूल्य में, कह रहा है 55 नंबर का क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 25% की कमी होने के कारण भुवनेश ने 240 रुपये में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। इसका मतलब अब यहाँ देखिए 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 25% का फ्रैक्शन हो जाएगा 25/100 करेंगे तो 25 चौका 100 हो गया, हो जाएगा 1/4। अब पहले क्या था, पहले और बाद, तो यहां से क्या करेंगे, पहले कितना था, 4 था, पहले कितना, 4, बाद में हो गया क्या है, 25% की कमी हो गई, तो कितना हो गया, 3 हो गया। ये आ गया सेलिंग प्राइस और इधर जो है कास्ट प्राइस। यहां हो जाएगा, अब यहां पर क्या करेंगे, ये 3:4 हो जाएगा, चेंज हो गया, सीलिंग प्राइस कास्ट प्राइस का उल्टा हो जाता है, विलोम होता है, या हम कह सकते हैं मूल्य का विलोम का, तो वस्तु इस तरह से हमको लिख सकते हैं।
अगर मूल्य आपका बढ़ा हुआ है तो वस्तु कम मिलेगा, अगर वस्तु बढ़ा हुआ था मूल्य पैसे ज्यादा लगेंगे। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, 3 पद। अब इन दोनों का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन मतलब अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, 2 रुपये 2 किलोग्राम दिया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 किलोग्राम दिया गया है, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर लेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। इसी प्रकार इसका भी 2 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो कह रहा है बाद कमी, कह रहा है तो कमी के बाद चावल का मूल्य बताइए। तो कमी के बाद चावल का मूल्य पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अब ये जो आपका दिया है 240 रुपया दिया है, हम 240 को किसे, 8 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 8 त्रिक 24 तो हो जाएगा 30 रुपये प्रति किलोग्राम। तो आ जाएगा 30 रुपये प्रति किलोग्राम, चावल का मूल्य कितना हो जाएगा बाद में, 30 रुपये प्रति किलोग्राम। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 30 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो गई, लेकिन उसकी प्रतिदिन की बिक्री 30% बढ़ गई, तो प्रतिदिन की आय में क्या अंतर होगा, इसको देखेंगे। पहले हम 25% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। 1/4 निकालेंगे, यहां इनिशियल पहले लिखेंगे, इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियल में आप क्या करेंगे, ये 25% की कमी हो गई, तो पहले इनिशियल कितना था, 4 था, और 25% की कमी, 1 यूनिट की कमी हो गई, 3 हो गया। फिर कह रहा है कि 30% बढ़ जाता है, 30%। अब 30 का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 13/10 हो जाएगा। तो पहले कितना था, 10 था, बढ़कर फाइनल हुआ 13, बढ़ गया। अब इन दोनों का ऊपर इसका और इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 चौक 40, और ये हो जाएगा 13 तिया 39। तो कह रहा है तो प्रतिदिन की आय में क्या अंतर होगा, तो अंतर कितना आया, 1 का अंतर आया हुआ, 1 का अंतर आया हुआ है 40 पे, तो 100 पे कितना आ जाएगा, इसको काट लेंगे, तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2 सही 1/2%। तो ये होगा डिक्रीज हो जाएगा, क्या होगा, कमी हो रहा है ना, तो ये डिक्रीज हो गया, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2। या इस तरह से ना सवाल, अगर फार्मूला लिख दें x+y+xy/100, इस फार्मूले पे ही लगा सकते हैं। तो x बराबर आपका 30 दिया गया है, माइनस में लिखेंगे, और y बराबर दिया है, सॉरी x बराबर दिया है आपका 25 कमी, तो माइनस में लिखेंगे, और y आपका दिया है प्लस में, तो लिखेंगे 30। यहां पर मान पुट कर देंगे, इसमें पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक वस्तु की कीमत 75 रुपये है, कीमत को पहले 20% बढ़ाया गया, बाद में 20% कम कर दिया गया, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या होगा। यहां देखेंगे, पहले 20% का फ्रैक्शन निकाल लेंगे, 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/5। तो 1/5 को पहले प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक और अंतिम, इनिशियल इनिशियल और फाइनल, फाइनल लिखेंगे, तो इनिशियल कितना है, 5 है नीचे, और 1 की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो रही है, 20% बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा 6। फिर यहाँ के 20% कमी हो रहा है, तो दूसरा 20% कमी हो रहा है, तो पहले 4 था, फिर कम हो गए, 5 हो गया। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, हो जाएगा कितना, 5 25, और इधर गुणे 5 30, ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि 75 रुपये, एक वस्तु की कीमत 75 रुपये है, तो कीमत को पहले 20% और बाद में 20% कम कर दिया गया, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य बताइए, मतलब वर्तमान फाइनल मूल्य।
वर्तमान मतलब फाइनल मूल्य बताना है। तो 25 में कितने का गुणा करते हैं कि 75 हो जाए? तो 25 में हम क्या करेंगे, 25 में 3 का गुणा अगर हम कर देंगे तो हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा? 75। तो इसमें भी उसी तरह हम 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये कमी है तो ये हो जाएगा 4। यहां पर क्या हो जाएगा, 4 यहां पर होगा, 4 यहां पर, 4 होगा, इसको काट दीजिए, तो 4 से 24। यहां भी क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 72, 72। तो कह रहा है कितना हो जाएगा, 72 रुपये। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 72 रुपये। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 20 पर एक वस्तु का मूल्य 60% बढ़ जाता है तो एक ग्राहक को खपत में कितने % की कटौती करनी होगी ताकि खर्च ना बढ़े? तो इसका फार्मूला आर गुणे 100 बटे 100 प्लस आर, इसी पे आर की वैल्यू आपका दिया है कितना, 60 दिया है, रख दीजिए 60 गुणे 100 बटे 160 हो जाएगा, इसको काट देंगे, यहाँ से 8 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 हो गया, ये 4, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, और इसको काटेंगे ये 30 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 15, 15 पचे 75 बटे 2, तो 37 सही, 1/5 या 5% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह से क्वेश्चन लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, x + y + xy, इस फार्मूले पे रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अगला। 100 रुपये की एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की कमी, पुनः 10% की वृद्धि। 100 रुपये की एक मूल्य के वस्तु के मूल्य में पहले 10% की तथा 10% की वृद्धि हो जाती है, पुनः 10% की वृद्धि हो जाती है, तो कुल वृद्धि कितना हो जाएगा? तो देखें, पहले 10% की वृद्धि हो जाता है, पहले एक 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे, 1/10 हो गया, तो कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, तो पहले कितना था, पहले आपका हो जाएगा 10 और बाद में हो जाएगा आपका 11, एक बढ़ रहा है तो यहाँ 11 हो जाएगा। ग्यारह हो गया, फिर उसके बाद में 10% की फिर बढ़ रहा है, तो पहले 10 था फिर 11 बढ़ गया, तो यहाँ 121 हो जाएगा। 11 अगर हम गुणा कर देंगे, इसका 100 में 100 का गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब कह रहा है, तो कह रहा है कि कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो पहले 100 था, बाद में 121 हो गया, तो 21 की वृद्धि हो गई, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे, 10% फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10, तो पहले और बाद का, तो पहले कितना है, 10 था, बाद में क्या हो गया, ये 10% की कमी हो गई, हो गया 9। अब इसका ये क्या है, सीपी है, और ये कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस उल्टा हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, तो यहाँ 11/99, सॉरी पहले 10 था, 10% की कमी हो गई तो 9 हो गया, फिर उसके बाद में इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू ही 1 रुपया दे रखा है, तो 1 का गुणा करेंगे इसमें 1 में तो 9 हो जाएगा, इसमें भी 1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 10, 10 आ जाएगा। अब कह रहा है कि चीनी का आरंभिक मूल्य बताइए, चीनी का मतलब पहले का मूल्य बताना है, तो क्या करेंगे,
270 में 9 से भाग देंगे, 9 त्रिक 27, तो क्या हो जाएगा 30 रुपये प्रति किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात कीजिए। तो इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं। देखें, कह रहा है 10% की कमी हो गई, तो पहले और बाद ऐसे लिखिए, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, 10% की 10 का 1/10 हो जाएगा फ्रैक्शन 10% का, तो ये हो जाएगा पहले कितना है 10, फिर कमी हो गई तो हो गया 9, फिर यहाँ 9 और 10 कर दीजिए। इस तरह से मतलब आपका सीलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का विलोम का अनुपात होता है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 10 सेब के बराबर है, 10 सेब के बराबर है। तो इस तरह से आपका 10 इसमें गुणा कर देंगे तो 10 × 90, यहाँ भी 10 का गुणा करेंगे तो 10 × 100, तो 100 हो जाएगा। तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत, प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन, तो कितना है 54 रुपये, तो 54 गुणे कमी के बाद तो नीचे हो जाएगा 100, और गुणे 12, 12 का क्यों गुणा किया, क्योंकि प्रति दर्जन पूछ रहा है, तो सेब की कीमत कितना हो जाएगी, तो यहाँ से गुणा करेंगे 27 हो जाएगा, 2 से काटेंगे और ये हो जाएगा 50, इसको भी 2 से काटेंगे तो हो जाएगा यहाँ 25, ये हो जाएगा 6। अब इसको 7 × 6 = 42, फिर ये 2 4 हासिल, और 6 × 2 = 12, 12 × 4 = 16, 16/25, 25 से भाग देंगे, 25 से अगर हम भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.48 आपका प्रति दर्जन आ जाएगा, प्रति दर्जन आ जाएगा 6.48, ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से 10 क्वेश्चन समाप्त हुए। अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।